नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं अनिल कनौजिया। शुरुआत करते हैं जनपद के इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। खबर अंबेडकर नगर जनपद से, जहां मांगों को लेकर सड़क पर बुनकरों का प्रदर्शन। बुनकरों ने की प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल। बुनकरों का कहना है कि किसानों की तर्ज पर 2006 में प्रदेश के बुनकरों को भी तत्कालीन सरकार ने पावर लूमों पर फ्लैट रेट लागू कर बुनकरों को बड़ी राहत दी गई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने पावर लूमों पर फ्लैट रेट खत्म कर नई योजना लाने की बात कह रही है, जिससे नाराज बुनकर प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में कई जनपद जैसे वाराणसी, अंबेडकर नगर, मऊ, कानपुर जैसे बुनकर बाहुल्य दर्जनों जनपद है। 2006 में तत्कालीन सरकार ने किसानों की तरह बुनकरों को भी पावर लूमों पर फ्लैट रेट पर बिजली मुहैया होती थी, लेकिन मौजूदा सरकार फ्लैट रेट को समाप्त कर बुनकरों के लिए नई योजना लाने की बात कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश बुनकर सभा द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। प्रदेश बुनकर सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार ने पहले हमें झूठा वादा किया और फ्लैट रेट को समाप्त कर दिया। फ्लैट रेट खत्म होने से बुनकर सड़क पर आ जाएगा और भुखमरी का शिकार हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जब तक हमारे पावर लूमों पर फ्लैट रेट नहीं लागू होता, तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा और हम आंदोलन करते रहेंगे। अम्बेडकर नगर जनपद से मोहम्मद मुगेश की रिपोर्ट। चाहे नौजवान हो चाहे किसान हो, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो इस समय अम्बेडकर नगर ही नहीं, पूरे प्रदेश में बुनकर समाज के लोग परेशान है। बुनकर समाज के लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि योगी सरकार ने पूर्णतः विरोध करती है और करती रहेगी। कुछ प्रतिनिधि मंडल बुनकर साथियों का, समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकगण, इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव सबसे मिलने का काम किए, अपनी मांग को रखे। इन लोगों ने लालीपाप देने का काम किया। जैसा कि हम लोगों को जो जानकारी है, वो उन लोगों ने जुलाई तक कहा कि आप लोग फिक्स रेट पर ही जमा कर दीजिए बिजली का बिल, लेकिन इनकी जो सारी व्यवस्था बिजली विभाग में जब देखी गई तो उसमें कहीं ना कहीं से सरकार की नियत में बेईमानी दिख रही है, जिसको कतई समाजवादी लोग बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। आज बुनकर आंदोलन का राज्यपाल महोदय को देने का काम किया है, जिस पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के व्हाट्सएप पर मैंने बुनकरों की समस्या को लेकर के एक निवेदन किया है कि आप सारी समस्याओं का समाधान होगा तो उसमें बुनकर समाज के लोगों का सबसे पहले समाधान नहीं। मैं कहता हूं नेताजी ने अगर उसको 65 रुपया किया तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी से मांग करूंगा कि बुनकरों से बातचीत करके इसको 60 रुपया करने का काम करिएगा, ताकि योगी सरकार जैसी अत्याचारी सरकार को मुंह पर तमाचा पड़े। प्रदेश में 3 सितंबर को जब बुनकर प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने के बाद जो घोषणा किया था कि 1 अगस्त से नई योजना जो बुनकरों के हित में होगी और भी फ्लैट रेट योजना, वो बुनकरों समझ बुझ के लागू की जाएगी, लेकिन उन्होंने जो 15 तारीख को फिर एक संशोधित शासन आदेश जारी किया, उसमें हमारे जो घोषणाएं की गई थी उसका अनुपालन नहीं किया गया। फिर हमें हमारे ऊपर वही 1 जनवरी से जो शासनादेश जारी लागू था वही 1 अगस्त से कर दिया गया। यह सरासर हमारे बुनकरों के साथ अन्याय है और धोखा है। सरकार की वादा खिलाफी खिलाफ आज ही हमारा पावर लूम बंद हुआ है। हमारी इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, हमारा बुनकर। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।